और ये हो रहा है हमारा लंच, एकदम सिंपल दाल चावल, थोड़ा सा अचार। और यहाँ देखिए यह है गुलाब जामुन, ये वहीं के गुलाब जामुन है जहाँ हम परसों डिनर करने गए थे, बहुत ही अमेजिंग लगे थे, इसलिए आज फिर मन हो गया। यार मैं एक बात बताऊँ, बहुत दिनों बाद मुझे को मैंने 3-4-5 साल बाद मैंने ऐसे गुलाब, इस साइज के गुलाब जामुन देखे, वरना इतने साइज भी इसका अप्रिशिएबल है और टेस्ट भी इसका टेस्ट अच्छा, भी है। अच्छा तो आज मैंने फिर से मंगाया, मैंने मंगाया, शर्मा जी को तो पता भी नहीं था मुझे नहीं पता। तो बस भूख लग रही है, फटाफट से हम लोग अभी लंच कर लेते, एकदम सिंपल वाला लंच। और अभी चाय नहीं बन रही है, यूजुअली शाम में मैं चाय बनाती हूँ, आपको आदत हो गई होगी मुझे चाय बनाते देख करके, बट अब क्योंकि थोड़ा सा गर्मियाँ भी लग चुकी है ना, तो मैं बहुत सारे ड्रिंक्स बनाया करूँगी। एंड आई थिंक मैंने शुरू भी कर दिया है, मैंने आपके साथ 3-4 ड्रिंक ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, मतलब शेयर कर दिया है। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहे हैं टाइमली कि आप आपके स्मूदीज एंड ऑल दोज ड्रिंक्स शेक्स वगैरह की रेसिपीज शेयर करना, तो मैंने अभी तक बहुत सारे किए हैं, लेकिन अब मैं बिकॉज अभी समर्स है ना, तो जो भी समर्स में पिए जा सकते हैं शेक्स स्मूदीज ड्रिंक्स मॉकटेल्स जितना भी मुझे जैसे जैसे याद आता रहेगा, एंड वो बनाने के लिए उस दिन घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आज ना मैं एक पुदीना वाला जो क्या बोलते हैं इसको, पुदीना लेमनेड कह सकते हो आप इसे, पुदीना वाला नींबू पानी, वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो पुदीना है ना ये तोड़ करके पानी, तो ये मैंने अपने ही गमले में से तोड़ा है और ये तोड़ करके साफ़ कर लिया है। पत्ते पत्ते चाहिए बेसिकली हमको, इसकी जो स्टेम होती है ना उसमें ज़रा कड़वाहट होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड टेस्ट होता है जो किसी किसी को कड़वा लग सकता है, तो हमको पत्ते पत्ते चाहिए। ड्रिंक बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छी है, बहुत कूलिंग इफेक्ट है इसका, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। ड्रिंक बनाने की शुरुआत करते हैं। एक मिक्सिंग जार में मैंने ले लिया है अदरक का छोटा सा टुकड़ा, छिलका हटा कर लीजिएगा, साफ़ धुला हुआ पुदीना, और इसके बाद जाएगी इसके अंदर चीनी। कितने ग्लास आप बना रहे हो उस हिसाब से चीनी डालिएगा, मैं पर ग्लास के हिसाब से 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा पानी, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो चीनी है आपकी वो भी अच्छी तरह से घुल जाएगी, बाद में घोलते हैं ना तो बहुत वक्त लग जाता है उसमें। इस मिक्सचर को ना छान लीजिए जिससे कोई भी रेशे वगैरह हैं वो हट जाएंगे। और 4 ग्लास मैं बना रही हूँ तो 2 नींबू का रस मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया है, और ये हो चुका है हमारा बेस तैयार। अच्छी तरह से छान लेने से ना आप देखिए कितना कुछ अदरक वगैरह के रेसिड्यू, और मैंने लेमन भी यहीं स्क्वीज कर दिया था ना, तो बीज वगैरह भी यहीं आ गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये हो चुका है बेस तैयार। आप इस स्टेज पे आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा ना इसे टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत स्ट्रांग होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेमन मिंट और चीनी तीनों ही आपको फील होंगे, बट एक बार आप टेस्ट कर लोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा आपको इसमें कितना पानी मिलाना है। चिल्ड पानी मिलाइए, और यस 4 ग्लास पानी नहीं मिलाना है क्योंकि ग्लास में जब हम सर्व करेंगे तो बर्फ़ भी ऐड करेंगे, तो पूरा 4 ग्लास आपको लिक्विड नहीं चाहिए। ग्लास में मैंने डाला है थोड़ा आइस एंड देन ग्रेप्स को इस तरह से काट के, और इसके बाद आपके ग्लास को फिल कर लीजिए इस ड्रिंक के साथ एंड गिव इट अ ट्राई, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती है। आपको मिंट का फ्लेवर अच्छा लगता है ना, आपको ये ड्रिंक बहुत पसंद आएगी। मैंने गार्निश किया है एक अंगूर के साथ। बहुत अच्छा है। ओह वाओ, बहुत सही है, बहुत सही है। थैंक्स। बहुत अच्छा बनाया यार। ये तुम्हारी आईब्रोज को क्या हो गया? किसका? तुम्हारी आईब्रोज इतनी डार्क। एक सेकंड। अरे हाँ। यार ये इसने वो किया था तुम्हारा, वो नहीं भरते?
आईब्रो फिल कर दिया इसका मेरी पापा की आईब्रो, और मैंने उसको बोला था हटा देना है, दिख रहा है बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैंने अभी नोटिस किया, बहुत तो नहीं दिख रहा है, एक बार दिख जाए तो फिर बहुत दिख रहा है। हाँ तो दूर से दिखाओ ना। मैंने पापा को एंग्री बर्ड बना दिया। एंग्री बर्ड, हाँ। रेड टी शर्ट और पहना देती। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ ये मूंग दाल का चीला, और इसके अंदर होगी पनीर की स्टफिंग। मैं आपको बताऊँ, इसके साथ है ना एक स्टोरी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा स्पेशल जैसी बन गई है हमारे लिए। मूंग दाल का चीला जैसा तो मैं बहुत पहले से बनाती हूँ, मूंग दाल, अकेले का चीला और भी दूसरी दालें मिला के उसका चीला। लेकिन हम लोग है ना बैक इन ईयर 2014 में, तो मेरे ख्याल से या इट वॉज़ 2014 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शर्मा जी के कज़िन की शादी थी और हम लोग शादी में गए थे भोपाल। तो वहाँ उनकी शादी में ये बना था, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बनी थी, बट क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं तो वो शर्मा जी को उनके कज़िन ने बताया कि भैया आप ये ट्राई करो, ये टेस्टी है। तो शर्मा जी ने वो ट्राई किया और शर्मा जी को बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वो जो मैं डोसा जैसा बनाती हूँ ना, चीला जैसा, उसके अंदर पनीर डाल के बनाओ तो और भी अच्छा लगेगा। एंड देन तब से मैं इसको लाइक नॉट एवरी टाइम बट यूजुअली मेरे पास अवेलेबल होते हैं सारे ही इन्ग्रीडियंट्स, तो पनीर की स्टफिंग लगा के ये वाला डोसा कह सकते हो आप इसे, हाँ इसको डोसा भी कहते हैं साउथ में इसे, पर हम लोग इसे मूंग दाल का चीला ही कहते हैं। और इसके अंदर ये पनीर की स्टफिंग डाल के बहुत ही अमेजिंग लगता है, फिलिंग लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और इसके साथ आप जैसी चाहे चटनी, वो आपका मर्जी है, जैसी चाहे चटनी बनाइए, साउथ इंडियन स्टाइल की चटनी आप बना सकते हो। आपने तो अपना जो वो धनिया पुदीना मिर्ची वाली चटनी होती है ना, उसके साथ भी बड़ा मज़ेदार लगता है। और शुरुआत करने के लिए सबसे पहले पनीर वाली जो स्टफिंग है वो बनाऊंगी मैं, तो इसके लिए प्याज चाहिए। मैं इस तरह से जो मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है उसमें काट लूँगी, आप चाहे तो मैनुअली भी इसे चॉप कर सकते हैं। दो प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं और इसको थोड़ा मोटा मोटा काट कर डाल दिया है। ऐड किया है थोड़ा लहसुन और एक हरी मिर्च। अदरक मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अदरक डोसा के बैटर में जाएगा, दोनों में अदरक डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। अच्छी तरह से इसको पीस लीजिए। पैन में मैंने डाला है ऑयल, थोड़ा सा जीरा तड़काया है और इसके बाद ये जो था हमारा मसाला जो अभी पीसा है प्याज वाला, ये ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा अभी भून लीजिए, ये थोड़ा भुन जाएगा, लाल लाल नहीं भूनना है, थोड़ा अच्छा सा खुशबू वाला भुन जाएगा। तो दो ही टमेटोज को मैंने सेम मेरे चॉपर में क्रश करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ये बहुत देर नहीं पकाना है मसाला आपको, एक स्टर दे दीजिए और बस तुरंत ही यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, ये जीरा का पाउडर है, थोड़ा सा काला मिर्ची का पाउडर ऐड किया है मैंने। तो हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर डालकर अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ध्यान दीजिए इसको बहुत नहीं पकाना है, जल्दी जल्दी ही सारी प्रोसेस करेंगे। ऐड किया है मैंने स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ा गर्म मसाला और थोड़ा टमेटो केचप मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मिलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे, आपका ये मसाला अच्छा तैयार हो जाएगा। इसे बहुत ड्राई नहीं करना है क्योंकि हम पनीर भुर्जी बना रहे हैं, अगर ये जो प्याज टमाटर का मसाला ये बहुत ड्राई हो जाएगा तो भुर्जी एकदम ही खिली खिली ड्राई ड्राई लगेगी, इसलिए इसको थोड़ा जूसी ही रखिएगा। मैंने यहाँ पनीर ऐड कर दिया, मैं हाथों से ही क्रम्बल करके डाल देती हूँ, आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। और इसके बाद स्लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बस ध्यान ये दीजिएगा कि आपका जो ये भुर्जी बन रहा है ना, ये बहुत ड्राई ना हो, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए तो टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया हरा धनिया। भुर्जी हो चुका है तैयार, मैंने इसको एज स्टफिंग तैयार किया है, बट ये एज सच भी पराठा पूरी के साथ खाया जा सकता है। एक ब्लेंडिंग जार में वापस मैं थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ। अब जो डोसा है वो बैटर, उसके लिए बैटर तैयार हो रहा है, तो काफ़ी सारा अदरक मैंने ऐड किया है और हरी मिर्चें, इसके अंदर लाल मिर्च, काली मिर्च नहीं जाएंगी तो इसलिए बस थोड़ा सा हरी मिर्ची ही डाल रहे हैं। ये है हरे मूंग, होल मूंग, इनको 4-6 घंटे अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो लीजिए। और जितना मूंग मैंने लिया है इसको मैं 2 बारी में पीसूंगी, आप जितना ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हिसाब से बैचेस में पीसिएगा, क्योंकि ये होल ग्रेन है ना, इसको थोड़ा सा पीसने में वक्त लगता है, आपकी मशीन पे लोड ना आए, इसलिए थोड़ा सा छोटे छोटे बैचेस में पानी डालकर पीसिएगा।
और मैंने अदरक और हरी मिर्ची इस बैच में पीस लिया है। ये देखिए ऐसा फाइन आपको पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है। बाकी जो बची मूंग है उसको सेकंड बैच में थोड़ा पानी डालकर मैं पीस लूँगी। अदरक मिर्ची एक ही बार डाला है मैंने, वो बार बार नहीं डलेगा। और यह है थोड़ा सा राइस, इसको भी मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो लिया है धोने के बाद। अब इसको भी पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। आपको दाल थोड़ा सा फाइन ही पीसना है, दरदरा नहीं रखना है, क्योंकि उसमें जो बैटर में जो दरदरापन का काम करेगा ना, वो ये राइस करेगा। हालांकि ये भी आपको बहुत फाइन पीसना है, बट ये कुक करने में ना काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पीनेस दे देगा आपके डोसा को। अब ये सारी चीज़ें आप साथ में भी पीस सकते हैं, मैंने अलग अलग भिगोया था इसलिए मैंने अलग अलग इनको पीस लिया है। सारी चीज़ें एक बड़े मिक्सिंग बोल में ही लीजिएगा, ऐड कीजिएगा थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक, और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। कुछ 1-2 मिनट के लिए इसे ज़रूर अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। आप नोटिस करेंगे कि आपका जो बैटर है वो होमोजीनस हो रहा है, एकदम यूनिफॉर्म हो रहा है, और एकदम ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये डोसा बनाने के लिए तैयार है। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है डोसा बैटर वाली। बैटर हो चुका है तैयार, इसे 5-7 मिनट का रेस्ट दीजिए। और अभी हम जो तवा है उसे प्रिपेयर कर लेंगे, थोड़ा सा पहले ऑयल ग्रीस करके स्मीयर कर ली, इसके बाद थोड़ा पानी का छींटे डालकर उसे कपड़े से पोंछ लीजिए। ऐसा 2 पर्पज़ से किया जाता है, पहला तो तवा का जो टेम्परेचर है उसे लो डाउन करने के लिए, और दूसरा इसके ऊपर से जो ग्रीस है वो हटाने के लिए। अब आपका तवा का टेम्परेचर थोड़ा हाई ही रहना चाहिए, बट मीडियम हाई, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा रहेगा तो आपका डोसा जो है वो चिपकेगा ही नहीं, और बहुत गर्म रहेगा तो फटाफट से सिक जाएगा। इसलिए मीडियम हाई पे इस तरह से लेडल फुल बैटर लीजिए और एक ही मोशन में घुमाते हुए आपका डोसा स्प्रेड कर लीजिए। थोड़ा सा ऑयल बटर या घी आप इसके ऊपर डाल सकते हो। ऊपर से ही इस तरह लाल लाल स्पॉट्स दिखने लगे तब आप इसके अंदर स्टफिंग स्प्रेड कर दीजिए एंड देन इस तरह फोल्ड कर दीजिए। एंड लुक एट दिस डोसा, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी ये बना था। आप ट्राई दीजिएगा, आपको ये पसंद आएगा। देखने में कभी कभी डोसा ऐसा लग सकता है कि बहुत मुश्किल होगा, मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। बट मैं आपके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ उनको फॉलो कीजिएगा, आपका डोसा भी क्रिस्पी निकलेगा। हर डोसा से पहले आपके तवा का टेम्परेचर लो कीजिए और उसके ऊपर से ग्रीस हटा दीजिए। ग्रीस हटाएंगे तो ही आपका डोसा चिपकेगा, और अच्छे से चिपकेगा तो ही अच्छे से ब्राउन होगा। एंड चिपकना का बात पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जो तवा यूज़ कर रही हूँ ये नॉनस्टिक है। अगर आप लोहे का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। नॉनस्टिक पे चिपकता ही नहीं है तवा, तो वो चीले जैसा वाइट वाइट ही कुक होता है, वो अच्छी तरह से स्पॉट्स नहीं ले पाता। मैं इसको ग्रीस को हटा रही हूँ अच्छी तरह से। पेपर थिन मेरा डोसा बना है, एकदम क्रिस्पी और टेस्ट तो पूछे मत, बहुत ही मज़ेदार। गिव इट अ ट्राई। ना खाओ और बताओ। क्रिस्पनेस इज देयर, स्टफिंग इज कुक अप्रोप्रिएटली फिल्ड। ओ वाओ, ये कितना प्रीटी दिख रहा है। आई टेस्ट ऑसम। ये तुम्हें पसंद है, याद है भोपाल की शादी? एक बार फिर से तोड़ के बताओ ना क्रिस्प। यू कैन हियर दिस आवाज। और ये है लास्ट वाला डोसा, स्टफिंग खत्म हो चुकी है इसलिए इसके हिस्से कोई स्टफिंग नहीं आई, पर क्रिस्पी बहुत बन रहे हैं ये, बहुत अमेजिंग है। इसका एक्सेस भी टेस्ट बहुत अच्छा है, वेरी क्रिस्पी। और डिनर हमारा हो चुका है, बच्चे लोग सोने जा चुके हैं, कल भी उनका एग्ज़ाम है, और इसके बाद तो फिर छुट्टियाँ हैं, तो थोड़ा सा एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाथी निकल गया पूछ बाकी है। बस सेशन का वही हाल है। इसके बाद तो फिर सानवी, खुशी, इनफैक्ट और भी सारे बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो पास आउट हो जाएंगे। उसके बाद तो ये सारी बुक्स कहाँ देखनी है, कौन सा इन सब में से पढ़ाई करनी है। और डिनर अच्छा था, आज डोसा क्रिस्पी था ना, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था डोसा, क्रिस्पी तो था ही और वैसे भी अच्छा था। मैं अच्छे से बैठ जाऊँ यार।
बैठ जाओ। पता है ये वाला जो डोसा है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया, शर्मा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर हम लोग इसको डोसा जैसा नहीं बनाते थे, मैं तो इसको चीला जैसा बनाती थी। तो ये इतना क्रिस्पी कभी होता नहीं था, कभी ध्यान भी नहीं दिया मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, क्योंकि चीलाज उतने क्रिस्पी बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो होते भी नहीं है। लाइक वेन यू कंपेयर इट विद डोसा, तो चीलाज क्रिस्पी नहीं होते, बस वो गर्म गर्म होते हैं, तो वो एक फील तो आती है कि क्रिस्पी है। तो मैं इसको डोसा को मैं इसको चीला जैसा बनाती थी, और शर्मा जी ने हमेशा इंजॉय किया है। आज लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको थोड़ा राइस डालकर बनाया, तो राइस की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गया, एंड ही लाइक्ड इट। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आज क्या तारीख है? 14 थी। इस 12th को हमारे 14 ईयर्स कम्प्लीट हुए। 14 साल हो गए। तो 2007 में हुई थी ना हमारी शादी। हाँ यार, 14 साल हो गए। ऐसा सर क्यों पकड़ लिया? 2007 में हमारी शादी हुई थी और 2010 में खुशी आई थी। तो 2007 से 2010 तक हमने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट की, जैसा भी हम कर पाते थे। और उसके बाद से हम खुशी के बर्थडे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। केक कटता है तो समझ लेते हैं हम लोग कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का केक कट गया, अलग से अभी हम लोग एज सच कुछ करते नहीं हैं। अच्छा, हमारी शादी से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी बात आपको बताती हूँ। मतलब हम जो शर्मा जी और मेरी जो शादी हुई थी ना, वो कुंडली मिला के और इस तरह जैसे होता है अपने नॉर्थ में, लड़का लड़की की पहले कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं और फिर सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो हमारे में मेरा था, हम दोनों वो थे मंगली। तो उसमें कैसा होता है कि मंगली से मंगली की मतलब कुछ ऐसा योग बना था तेरी मेरी कुंडली में, जिससे कि या तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता, मतलब डिवोर्स हो जाता, या फिर ईदर ऑफ दी पर्सन नहीं रहता। वो मेरे को नहीं याद कि एग्जैक्ट क्या था, लेकिन मंगल का था इतना मुझे पता है। तो उन्होंने उसका उपाय बताया था कि तुम्हारी जो शादी थी पहले वो विष्णु जी से करवाई थी। हाँ, तो विष्णु मेरा एक्चुअली शर्मा जी के साथ दूसरी शादी हुई है। मेरा शर्मा जी से शादी हुई थी 12 मार्च को, और 11 मार्च को मेरी शादी करवाई गई थी विष्णु जी से। और ये बहुत लोग करते हैं इसको, मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाहती। बहुत लोग पेड़ से, कुत्ते से, आपने कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज़ वगैरह पढ़े होंगे। इनफैक्ट ऐश्वर्या राय का शादी भी पेड़ से करवाया था उन लोगों ने। वो इसी के ही चलते होता है, कुंडली में ऐसा कुछ दोष होता है तो। हाँ, कुंडली में दोष होता है तो ये उपाय होता है। तो मतलब भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं भगवान। हाँ, exactly. तो इसीलिए इस तरीके का उपाय करवाते हैं पंडित जी। तो ये तो था हमारा शादी का स्टोरी। आई एम श्योर आप में से भी कोई लोग के साथ शायद ऐसा हुआ होगा, या आप लोग कोई लोग को जानते होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो दैट वॉज अ लिटिल थिंग जो मुझे अभी याद आई, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और बस इसके साथ करेंगे इस ब्लॉग को एंड। हाँ जी, ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड नाइट, ईट वेल, स्लीप टाइट, बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ, पता है शर्मा जी के पापा है ना मेरे ससुर जी, तो उनके साथ मतलब सुबह में सब गुड मॉर्निंग मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, तो उनका एक ही रिप्लाई होता है, सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आज शर्मा जी ने वैसे ही बोल दिया। हाँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पापा की याद दिला दी। हाँ, पापा यही भेजते हैं आशीर्वाद। पापा सबको सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो बेटा जी। इनफैक्ट कई कई बार कोई आप में से भी कई लोग जब कमेंट करते हैं तो हाँ, पापा अगर वो देखते हैं तो उसमें वो रिप्लाई करते हैं, सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो बेटा जी। ओके, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, गुड नाइट। अब हम मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।